अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये काम मैं नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्रिएट हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं बिलीफ में कहीं ना कहीं आगे पीछे हूँ, ये कोई भी काम आप कर, एक प्लेटो मेंटेन हो रहा है, बस आगे ग्रोथ नहीं हो पा रही, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप आपके एबिलिटी में ग्रोथ करना चाहते तो ये 3 पॉइंटर्स जो थियरी आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत हेल्प करेगी। नमस्कार, मेरा नाम है अंबादास और आप देख रहे हैं ऑलवेल भारत, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, देश विदेश के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो लोग कंसिस्टेंटली इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, उनमें से बहुत से लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो मेरे रिक्वेस्ट है प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें भी बहुत हेल्प करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और जो आपके दोस्त और नियर एंड डियर को शेयर भी जरूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं ये आज का वीडियो। आज का जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये स्पेशल टॉपिक है। अगर लाइफ में इस चीज के ऊपर हम लोग फोकस नहीं करते, गौर नहीं करते, तो डेफिनेटली होगा ये कि हमारा ग्रोथ जो है, हम चाहते हैं कि एक प्लेटो मेंटेन करे। कोई भी नहीं चाहता कि सेम वे साइडवेज में हमारा ग्रोथ हो, तो हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा ग्रोथ अपलाइन में हो। बट इस पॉइंट के ऊपर हम फोकस नहीं करते तो हमारा जो ग्रोथ है डाउनग्रेड साइड में जाता है, और कोई भी नहीं चाहेगा। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि क्या मैं खुद के ऊपर बिलीव करता हूँ। तो आप सोचेंगे कि ये क्या सवाल कर रहे हैं, क्या मैं खुद के ऊपर बिलीव करता हूँ क्या? ऑफ कोर्स मैं करता हूँ। फिर सवाल होता है कि कैसे मैं खुद के ऊपर बिलीव कैसे करता हूँ। बिलीव और बिलीव दो डिफरेंट डिफरेंट चीजें। बिलीव यानी धारणा, मेरी मान्यता क्या है, और बिलीव का अर्थ ये होता है कि मैं खुद के ऊपर विश्वास करता हूँ क्या, मैं खुद के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। यस ऑफ कोर्स एवरीबॉडी, हम अपने आप पे विश्वास करते, ट्रस्ट करते, इसलिए तो हम जी रहे। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। वो सोचते कि मेरे से नहीं हो पाएगा, क्या मैं ये कर पाऊंगा, कोई मुझे पुश करेगा, धक्का देगा, तो मुझे गाइड करेगा। डेफिनेटली हमको गाइडेंस की जरूरत होती है, इंस्पिरेशन की जरूरत होती है, मोटिवेशन की जरूरत होती है, इससे हम लोग और अच्छे से तेजी से आगे बढ़ते। बट हमको ये फाइंड आउट करना चाहिए कि अगर मैं खुद के ऊपर बिलीव करता हूं, तो हमें पता भी होना चाहिए ना कि हमारा नॉर्थ डायरेक्शन क्या है, हम किस चीज के ऊपर पॉइंटेड है। तो वो फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, हमारे टॉप 3 एबिलिटी, मेरी खुद की ये टॉप 3 एबिलिटी क्या है। तो अगर रतन टाटा जी को अगर हम लोग आइडेंटिफाई करें, तो उनकी टॉप 3 एबिलिटी क्या है, वो वन ऑफ द ऑनेस्ट पर्सन है, इंटीग्रिटी वो मेंटेन करते, जो बोलते वो करते, जैसे सिंगूर प्रोजेक्ट उन्होंने कहा और कंप्लीट कर दिया, उनकी एक एबिलिटी को डिसिप्लिन्ड है। आज तक भी अगर देखेंगे तो एकदम परफेक्टली वो सूटेड बूटेड बराबर परफेक्टली दिखते, हर मीटिंग में टाई रहते, उनका वेस्ट कोट रहता है, वो कभी भी अनफॉर्म तरीके से नहीं रहते हैं, तो वो एक मैनेज तरीके से रहते हैं। उनको हम देखते तो एक तरीका ही हमको समझ में आता है कि ये रतन टाटा है। तो जो व्यक्ति सक्सेसफुल रहते हैं उनके खास ट्रेड रहते हैं। अगर आप अपने प्रोफेशन में देखें, आप कोई भी जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके इंडस्ट्री के टॉप 10,000% देखिए, कोई भी टॉप 10,000%, उनकी एक यूनिक एबिलिटी होती है, यूनिक पोटेंट होता है कि इस तरह से वो मेंटेन करते हैं। अब मैं थोड़ा कहूंगा कि थोड़ा टॉप 10,000 से 1,000 में ये उनकी खास एबिलिटी और खास हो जाती है, और थोड़ा सा अगर सिंक्रोनाइज करके आए, अगर टॉप 10,000 से अगर 100 में आए, तो लोग उठ के देखते आते हैं उस चीज को। वो ब्रॉड तरीके से नहीं करते, डीप तरीके से, मास्टर होते उस चीज के। और टॉप 10 या टॉप 50 अगर कहेंगे, तो वो उस हैबिट को घुल मिल के अपने अंदर ले लेते। सो ये मैटर करता है कि हम लोग कैसे खुद को मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं। ये मैटर करता है, हम खुद को कैसे मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं, हम अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर हमें आगे बढ़ना चाहिए, बिलीफ में ये 3 ऑब्स्टेकल कहे, या फिर 3 जो चीजें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज है कि क्या हम खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट है, विश्वास रखते हैं क्या। जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, मैं खुद के ऊपर विश्वास करता हूँ, बट कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक थिन लाइन होती है। अगर ये थिन लाइन हम पहचान पाए कि कभी कभी हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, या कभी कभी एकदम टोटली अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, ये चीज अगर हम नहीं करें, तो हम लोग सही राह पे चल रहे। ओवर कॉन्फिडेंस मतलब मैं ये कर सकता हूं, मैं ही ये कर सकता हूं,
कॉन्फिडेंस मतलब मैं कर सकता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस मतलब मैं ही ये कर सकता हूँ। इस तरह से हम अपनी जो नाव है डुबा देते हैं। तो हमें सावधान रहने चाहिए कि मैं काम कर सकता हूँ, इसके कुछ स्टेप्स है मुझे फॉलो करने होंगे और ये मैं अचीव करूंगा। तो हमारा बिलीफ, एक छोटा काम हम लोग कर पाते हैं ना, तो बड़ा काम भी बहुत आसानी से कर पाते हैं। और उसके लिए जो टाइम लगता है वो टाइम फ्रेम में कर पाते हैं, तो कॉन्फिडेंस और बढ़िया हो जाती है कि यस मैंने ये कर दिखाया। और मैं कहूँ, जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट की अगर कोई है, जैसे एलन मस्क कहते हैं, सक्सेसफुल लोग कहते हैं कि हमारे लाइफ में सक्सेस की अगर कोई की है तो वक्त है। क्यों वक्त है? क्योंकि वक्त ही एक ऐसी करेंसी है जिससे हम लोग सब कुछ डबल कर सकते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि 1 करोड़ रुपए किसी के पास है और उसके मल्टीपल करने के लिए उसके पास 10 साल है या 15 साल है, तो पैसा काफी अच्छा मल्टीपल होगा। बट उसके पास 1 ही साल है या 2 ही साल है, तो डेफिनेटली पैसा कम ग्रो होगा। यही कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने अंदर कितना इंपॉर्टेंस या फिर विश्वास रखते हैं, हमारे जो ऊपर जो कॉन्फिडेंस रखते हैं, हमारे पास कितना वक्त है, 1 साल है, 2 साल है, 10 साल है। कोई कहता नहीं कि मैं लंबी रेस का घोड़ा, तो भाई लंबी रेस का घोड़ा मतलब आप कितना साल ये काम करने वाले, 15 साल आपको मिलते हैं काम करने के लिए, तो यस यू कैन एक्सेल, बट आपके पास 1-2 साल है। अब किसी किसी के पास 15 साल है बट वो 1-2 साल भी काम नहीं करते, तो ऑटोमेटिकली वो रेस से बाहर होते हैं। क्या आप रेस से बाहर होना चाहते हैं? नहीं होना चाहते ना, तो फिर हमें कॉन्फिडेंट रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है। मार्केट में अगर कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो ये भी रास्ता मिलता है, वो भी रास्ता मिलता है, ये भी रास्ता मिलता है, शॉर्टकट मिलते हैं। शॉर्टकट को हमको अवॉइड करना है, स्मार्ट कट लेना है, हार्डवर्क का रास्ता और स्मार्ट वे से हम लोग जाते हैं, तो ये रेस हम लोग आसानी से जीत पाते हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें कि जो व्यक्ति कंसिस्टेंटली इस काम कोई भी काम को करने में या अंजाम देने में सफल हो पा रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसके खुद के ऊपर और उस काम के ऊपर ट्रस्ट है। वो ट्रस्ट करता है अपने आप पर और उस काम पे, ये उसका साइन है, ये इसका रिपरकेशन है। अगर हम अपना काम अगर नहीं सही से कर पा रहे, तो फिर कहीं ना कहीं आपको बैठ के सोच के प्लान करने की जरूरत है। अब कंसिस्टेंटली हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि विजुअलाइज कीजिए कि मैं मेरा सक्सेस कैसे पाना चाहता हूँ। हर हफ्ते, नेक्स्ट वीक तक मैं मेरा सक्सेस कैसे पाना चाहता हूँ, नेक्स्ट मंथ तक मेरा सक्सेस कैसे पाना चाहता हूँ, उसी में कंसिस्टेंसी, विजुअलाइजेशन में कंसिस्टेंसी। अगले 3 महीने में, नेक्स्ट क्वार्टर में, ये बाय ईयरली मैं कैसा ग्रोथ करना चाहता हूँ, एनुअली मैं ग्रोथ कैसा करना चाहता हूँ, क्या मैं मेरा ग्रोथ 125% 150% तक लेके जा रहा हूँ, क्या मैं इन्फ्लेशन को बीट करते हुए मेरी ग्रोथ कहीं ऊपर लेके जा रहा होगा। तो फिर हम लोग ऑटोमेटिकली खुद के ऊपर बिलीव करते जाएंगे। एवरीडे छोटा छोटा बीज हम लोग डालते हैं अपने स्मार्ट वर्क का, हार्ड वर्क का, तो हम एक्सेल करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ओके, थर्ड और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर जो व्यक्ति खुद के ऊपर बिलीव रखता है वो एवरी टाइम इंथुजियास्टिक रहता है, उत्साह उसमें भरा रहता है। फ्रैंक बैडगर जो है सेल्स के एकदम सुपर ट्रेनर रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि फ्रेंक बैठकर मैं सेल्स है करने कर रहा हूँ, बट एवरी शिव खेरा जी कहते हैं एवरीवन इज सेलिंग, हर व्यक्ति सेल कर रहा है, कोई अपने इमोशन को, कोई अपने बिजनेस को, कोई आइडियाज को। तो जो व्यक्ति, जैसे फ्रैंक बैटगर जी की जो बात मैंने कही, जो व्यक्ति इंथुजियास्टिक रहता है, उत्साहपूर्ण रहता है अपने काम के प्रति, इसका मीनिंग ये है वो खुद के ऊपर बिलीव रखता है, अपने काम के ऊपर बिलीव रखता है। अगर ये हम लोग कर पा रहे तो हम लोग सही राह पे, अगर ये नहीं कर पा रहे तो फिर हम लोग खुद को ही फंसा रहे ना जी। अब जो खुद को फंसा रहे, तो फिर डे एंड में हम लोग नाराज होंगे, मंथ एंड में नाराज होंगे कि ये हुआ नहीं, मेरा इनकम वैसा हुआ नहीं। देर सवेर हमारी इनकम, कहते हैं ना ईश्वर के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, ये कहावतें नहीं, ये रियलिटी में लोगों ने तब्दील किए कि कोई कोई बिजनेस को बनने में 5-5, 10-10 साल लगते हैं। एक बिल्डिंग अगर खड़ी होती है तो उसका जो प्रॉफिट लाने में 3-3, 4-4 साल ब्रेक इवन में लगता है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये थोड़ा बिजनेस पॉइंट से अलग एक पैराडाइम से डिस्कस कर रहा हूँ, और जिनको समझ में आ रहा है वो सही तरह से ग्रास्प करें कि कोई भी चीज हम लोग शुरू करते हैं तो ब्रेक इवन करने में टाइम लगता है। यस, सो दिस 3 थिंग अगर हम अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करके अगर आगे बढ़ पाए, तो फिर हम लोग खुद के ऊपर बिलीव करें। इसके 3 एडवांस पॉइंट भी है। मैं अगर आपका आपको इस पॉइंट के ऊपर, इस वीडियो के ऊपर आपका बहुत सारा अगर प्रतिसाद मिला, आपका अप्रिशिएशन मिलता है, कमेंट मिलता है, लाइक मिलता है, तो मैं इसका
सेकेंड पार्ट भी लेके आऊंगा जो इसके ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेंगे। और फिर इसके साथ एक सुपर मेडिटेशन भी वर्कआउट हो सकता है, और ये मेडिटेशन भी मैं आपके लिए जल्द से लेके आ सकता हूँ। अगर आप ये चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए कि आप इसके ऊपर मेडिटेशन और इसके ऊपर डीप एनालिसिस चाहते हैं नेक्स्ट 3 पॉइंट के ऊपर। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने सक्सेसफुली इस ब्लूप्रिंट को, बिलीव की ब्लूप्रिंट को कंप्लीट कर लिया है। आपको ये पता चल चुका है कि कौन से क्वार्टर्स के ऊपर आप इंप्लीमेंट ऑलरेडी कर रहे हैं, कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं। एनालाइज कीजिए और फाइंड आउट कीजिए कि कैसे आप एक्सेल कर सकते हैं, जो आपका ग्राफ है प्लेटो है वो मेंटेन हो रहा है, और कहाँ पे आपको एक्सेल करने के लिए गुंजाइश है। तो धन्यवाद, इसका एक एडवांस वीडियो में क्रिएट कर सकता हूँ नेक्स्ट 3 पॉइंटर से। आपके अगर कमेंट मिलते हैं, आपके अगर इस वीडियो को अच्छा प्रतिसाद मिलता है, तो मैं जल्द ही आपको एक वीडियो और लेके आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी भरपूर कीजिए, ताकि हमें भी अच्छा मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।